हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के सोडे में हम देखने वाले WAR वर्सेस जो मैच है CHA, इसकी फटाफट 3 T11 की विनिंग टीम देखने वाले। तो दोस्तों, बिना किसी देर के मैंने मैच को हाईलाइट कर दिया, उस पर आपको क्लिक कर लेनी है। और अगर आपने यहाँ पर टीम नहीं बनाई तो क्रिएट अ टीम पर क्लिक कीजिए। मैंने ऑलरेडी 3 टीम बना के रख चुका हूँ, एक एक करके आपको एडिट करके दिखाऊंगा किस किस को आपको लेना, किसको नहीं लेना, और आखिर में किसको कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए माय टीम पर क्लिक कर लेते, पहली टीम को देख लेते। तो सबसे पहली टीम में मैंने कीपिंग में लिया एस्टक्कर को। जी हाँ, अच्छे खासे प्लेयर है दोस्तों, जरूर आप इनके साथ जा सकते हैं, इन पर भरोसा कर सकते हैं, दाव लगा सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास 4 बल्लेबाज है, पी पाटीदार को लिया, एम मंगुकिया को लिया, डी एन पटेल को लिया, आर जाधव को लिया। अगर बात करें ऑलराउंडर्स की तो मेरे पास 3 ऑलराउंडर्स है, पी यादव, पी घिलानी और जे भट्ट। इस तरह से मेरे पास 3 ऑलराउंडर है, 4 बैट्समैन है। अगर बात करें गेंदबाजी की तो वी सोलंकी को लिया, पी घोड़धरा को लिया और वाई सिंह को लिया। बहुत ही बढ़िया टीम बन चुकी है दोस्तों, ज़रूर कहूँगा इस टीम को ग्रैंड लीग के लिए यूज़ कीजिएगा, स्मॉल लीग के लिए यूज़ करके वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि ये टीम सबसे बेस्ट टीम बनी है दोस्तों। तो इसीलिए कह रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड लीग के लिए यूज़ कीजिएगा, स्मॉल लीग के लिए यूज़ करके वेस्ट मत कीजिएगा। तो अब बात करते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन की। इस टीम का कैप्टन मैंने बनाया है, जैसे कि आपको दिखा दूँ, वाई सिंह को, और वाइस कैप्टन डी एन पटेल को बनाया दोस्तों, क्योंकि इन्होंने अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया अब तक, और सबसे ज़्यादा दोनों ने पॉइंट दिए। और दूसरी बात तो यह है कि सबसे ज़्यादा लोगों ने इन दोनों को ही कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाया। तो पहली टीम में मैं इनके जनता के साथ जा रहा हूँ, इसीलिए इन दोनों को कैप्टन और वाइस कैप्टन बना रहा हूँ दोस्तों। आप चाहे तो किसी और को बना सकते हैं, लेकिन ये दोनों ने अभी तक काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस किया, तो ज़रूर आप इन दोनों के साथ जा सकते हैं, एज कैप्टन और वाइस कैप्टन इन्हें बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो कुल मिला के काफ़ी अच्छी टीम बन चुके हैं दोस्तों, ज़रूर फिर से कहूँगा ग्रैंड लीग के लिए यूज़ कीजिएगा, स्मॉल लीग के लिए यूज़ करके वेस्ट मत कीजिएगा। इस टीम को क्लोज कर लेते, सेव कर लेते और दूसरी टीम में आपको दिखा देता हूँ। इस टीम में मैंने कीपिंग में भी चेंज कर लिया है दोस्तों, ए राय को लिया है। अगर आप देख रहे हैं तो ए राय को मैंने इस टीम में शामिल कर लिया है, ये भी अच्छे खासे कीपर है, ज़रूर आप इन पर भी भरोसा कर सकते हैं, दाव लगा सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास 3 बल्लेबाज है, पी पाटीदार को मैंने ले लिया, ए कुमार को ले लिया, डी एन पटेल को लिया। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, बैटिंग में भी मैंने एक चेंज कर लिया, लेकिन अच्छा चेंज किया दोस्तों, जिसको ड्रॉप किया वो भी अच्छे थे और जिनको लिया वो भी अच्छे हैं, ज़रूर आप इन पर भी भरोसा कर सकते हैं, दाव लगा सकते हैं। अगर बात करें ऑलराउंडर्स की तो यहाँ पे भी एक चेंज कर लिया, पी यादव को, जे भट्ट को लिया और डी पांडे को इस टीम में शामिल कर लिया, तो यहाँ पे भी एक चेंज कर लिया है। इसके बाद अगर गेंदबाजी की बात करें तो पिछले टीम में हमारे पास 3 ही गेंदबाज थे, लेकिन इस बार 4 गेंदबाज है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, वी सोलंकी को मैंने ले लिया है, इसके बाद एम मेहता को लिया, पी घोड़धरा को लिया और वाई सिंह को लिया। इस तरह से मेरे पास इस बार 4 गेंदबाज है, पिछली टीम में 3 ही गेंदबाज थे, तो ज़रूर आप इस तरह से भी कर सकते हैं, इन पर सब पर भरोसा कर सकते हैं, दाव लगा सकते हैं। कैप्टन और अगर वाइस कैप्टन की बात करें तो मैंने इस टीम का कैप्टन पी पाटीदार को बनाया दोस्तों, काफ़ी कंसिस्टेंसली अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे, तो ज़रूर आप इन पर भरोसा कर सकते हैं, एज कैप्टन इनको ज़रूर बना सकते क्योंकि इनका परफॉर्मेंस देखा तो पिछले कई मैचेस से काफ़ी बढ़िया रहा है, तो ज़रूर आप इनको कैप्टन बनाएंगे तो आपको फ़ायदा होगा, या फिर आप ग्रैंड लीग जीत सकते हैं, ग्रैंड लीग में अच्छी खासी अर्निंग तो ज़रूर हो सकती है, इसीलिए मैंने इनको कैप्टन बनाया। वही वाइस कैप्टन की बात करें तो पिछले टीम में मैंने जिनको कैप्टन बनाया था वाई सिंह, इनको मैं इस बार वाइस कैप्टन बनाने जा रहा हूँ, ताकि ये भी अच्छा परफॉर्मेंस करे तो आपको फ़ायदा हो, आप इन दोनों की वजह से ग्रैंड लीग जीत सकते या फिर ग्रैंड लीग में अच्छी खासी अर्निंग तो ज़रूर कर सकते, इसलिए मैंने इस तरह से ये टीम बनाई है। तो ज़रूर कहूँगा दोस्तों, इस टीम को भी अगर आप चाहे तो ज़रूर ग्रैंड लीग के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये टीम आप स्मॉल लीग के लिए भी ज़रूर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये टीम दोनों के लिए अच्छी है, लेकिन स्मॉल लीग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते, तो ज़रूर आप पर है, डिपेंड है कि आप इसे स्मॉल लीग के लिए यूज़ करते हैं या फिर ग्रैंड लीग के लिए। इस टीम को भी अभी क्लोज कर लेते, सेव कर लेते और तीसरी और आखिरी टीम मैं आपको दिखा देता हूँ।
तीसरी और आखिरी टीम में मैंने दो कीपर ले लिए, जैसे कि आप देख पा रहे डीजी पटेल को अब तक एक भी टीम में नहीं ले पाए थे, तो इनको ज़रूर मैंने इस टीम में शामिल कर लिया। और एस ठक्कर को भी वापस ले लिया, ये तो काफ़ी ख़तरनाक बल्लेबाज है दोस्तों, तो ज़रूर आपके लिए अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। अगर बात करते हैं बैटिंग की, तो पी पाटीदार को इस टीम में शामिल कर लिया, डी एन पटेल को लिया, वाई गौचाला को अब तक एक भी टीम में नहीं ले पाए थे, तो इनको यहाँ पे मैंने शामिल कर लिया। ये भी अच्छे खासे खेल सकते हैं, तो जो आप इन पर भी भरोसा कर सकते हैं, दाव लगा सकते हैं। अगर बात करते हैं ऑलराउंडर्स की, तो यहाँ पे भी एक चेंज कर लिया, पी घिलानी को मैंने शामिल किया है, जे चावला को लिया और जे भट्ट को लिया, तो यहाँ पे भी चेंजेस कर लिया दोस्तों। अगर गेंदबाजी की बात करें, तो यहाँ पे भी वी सोलंकी है, एम मेहता है और वाई सिंह है। तो एम मेहता को हम शायद पिछले दोनों टीमों में नहीं ले पाए थे, तो इसलिए मैंने नू को इस टीम में शामिल कर लिया है। तो कुल मिला के ये भी टीम काफ़ी बढ़िया और संतुलित टीम बन चुकी है दोस्तों, तो ज़रूर आप इस टीम को भी ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फिर से कहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैंड लीग के लिए यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आपको अगर ज़्यादा अर्निंग हो सकती है तो वो ग्रैंड लीग में ही हो सकती है। इसीलिए कह रहा हूँ कि ये टीम भी ग्रैंड लीग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिएगा, स्मॉल लीग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैंड लीग के लिए यूज़ कीजिएगा। कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात करें, तो एस ठक्कर को मैंने कैप्टन बना लिया है दोस्तों, जो कीपर है, और कीपर होने की वजह से हमें डबल पॉइंट दे सकते हैं, बैटिंग तो कर ही सकते, साथ ही साथ स्टंपिंग, कैचिंग या रनआउट में एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट हमें दे सकते। वही अगर बात करें वाइस कैप्टन की, तो वी सोलंकी को मैंने वाइस कैप्टन बनाया, जरूर आप इन दोनों के साथ जा सकते हैं, इन दोनों पर भरोसा कर सकते हैं, दाव लगा सकते हैं। तो फिर से कहूँगा दोस्तों, कुल मिला के ये टीम काफ़ी बढ़िया बन चुकी है, तो ज़रूर आप इस टीम के साथ जा सकते हैं, इन तीनों टीमों पर भरोसा कर सकते हैं, दाव लगा सकते हैं, क्योंकि ये तीनों टीमें काफ़ी अच्छी बनी है, और तीनों टीमें अगर आप ग्रैंड लीग के लिए लगाएंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है, या फिर आप ग्रैंड लीग भी जीत सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये तीनों टीमें काफ़ी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आए तो इसे इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिए, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए, ताकि इस तरह के अच्छे अच्छे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।